सतना में विकास के नाम पे आप देख रहे हैं धूल ही धूल हो रही है, इसलिए गणेश सिंह का परिवर्तन होना चाहिए। सीधी सी लोकसभा चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। हम सतना के सिविल लाइन में अदालत परिसर में हनुमान मंदिर के सामने अधिवक्ताओं से यह जानना चाहते हैं कि पढ़ाई का वर्ग आखिर आप लोगों की सोच चुनाव को लेकर क्या क्या सोचते हैं आप लोग। 15 साल से सतना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, क्या आप उनके विकास से उनके एजेंडे से सहमत हैं, क्या आप बदलाव सतना सांसद में 15 साल में कोई काम नहीं किया है, अपने परिवार अपने भाई और अपने भाई का विकास किया है। 15 साल उसने कहीं न किसी मोहल्ले में गया, न कहीं किसी के दुख दर्द में खड़ा हुआ, कौन की जेल जा रहा है, बिजली में जा रहा है, कौन गरीब किसान जा रहा है, कहीं भी 15 साल में वो नहीं गया, स्वा अर्जन और स्वाहित में करता रहा और हम लोग बदलाव चाहते हैं। कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, देश में क्या काम हुआ वो अलग बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सतना में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई, हाँ सतना में कोई काम नहीं हुआ है। विधायक भी यहाँ से थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे, आइए ना सतना में कोई काम, सतना विकास का है जो रुका हुआ है, विकास विकास वो विकास सतना में कहीं नहीं। वक्त है बलदाव सर, पहले बात करें अपन अपन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद रहे 15 साल, विधायक भी रहे और सरकार भी रहे, ठीक है सतना का विकास नहीं हुआ क्योंकि हम सांसद का चुनाव करके प्रधानमंत्री का भी चुनाव करते हैं। अब सांसद हमारे यहाँ 15 साल है और सतना शहर की लाइफ लाइन क्या है, सबसे बड़े चौराहे का पुल अभी आज तक नहीं बना, जो कि इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए, 15 साल से पड़ा है, आप शहर में चल नहीं सकते, ये स्थिति है। जो आपका मत है और यहाँ हमारे देश के वीर सैनिकों के जो पहचान के नाम को लेकर जो मांग अच्छा देश के विकास के नाम है, जो वक्त है बदलाव सेंटर में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं हुआ, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं हुआ, इसके लिए सीधे सीधे भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। अधिवक्ता के अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए और सतना में विकास के नाम पे आप देख रहे हैं धूल ही धूल हो रही है, इसलिए गणेश सिंह का परिवर्तन होना चाहिए। सीधी सी बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये कहना है कि जो है जनता जो भी अपना वो करे वह इस बात को जरूर देखे कि कार्य किसके द्वारा क्या किया गया, अगर कार्य का मूल्यांकन करके वोट करेंगे तो यह जनता के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। दृष्टिकोण में क्या मूल्यांकन, हमारे दृष्टिकोण में मूल्यांकन ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनको अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर वो 5 साल हैं 10 साल हैं जितने साल भी रहे हैं, तो हर पंचवर्षीय चुनाव होता है तो 5 साल का उनको ब्यौरा बताना चाहिए कि इन 5 सालों में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में यह कार्य किया जनता के हित के लिए। मेरे दृष्टिकोण से मैं जो है 100% संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे कार्य
तो हमारे बगल का शहर है युवा, वहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए हैं, हमारे शहर में काम चलाते हैं, कार्य होना चाहिए उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से विकास कार्य। उनके विकास से संतुष्ट हैं, वर्तमान व्यवस्था देखिए उसके पीछे कारण चाहे आप फ्लाई ओवर देख लें, रेल की व्यवस्था देख लें, चाहे आप बाईपास प्रोजेक्ट देख लें, चाहे आपका ये जलावर्ती वाला देख लें, और सारे शहर में जो ग्रेड है अगर दोनों तब्दील कर दिया है, सिर्फ व्यक्तिगत लोगों को ध्यान में रखा गया है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जो आम जनता का जिससे हित प्रभावित होता है या जिससे आम जनता को राहत मिलती है, ऐसा कोई काम एक दौरान नहीं किया जा रहा है। सभी लोगों ने अपने मत व्यक्त किए, आप सभी का धन्यवाद। कौन ने किया?